नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट टू। सोनी का ये 32 इंच का टीवी है, सॉरी 40 इंच का टीवी है, जिसका मॉडल नंबर है आपको 40R352D। ना ये 2016 का बना हुआ है एलईडी टीवी। इसमें फॉल्ट है कि पावर नहीं आ रहा है इसमें, और सेट डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे है, मैंने इंडक्टर लगा के रखा है, और यहाँ पे जो जो वोल्ट है वो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। सारे वोल्ट लगभग लगभग परसेंट हैं। ये देखिए, सबसे पहले इनपुट वोल्ट जो है 19.5 वोल्ट। उसके बाद जो है ये हो गया आपका ये 1.2 वोल्ट परसेंट है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये 3 PF जो है यहाँ पे, और ये 1.2 का ये रेगुलेटर ऐसी है इसका। उसके बाद हो गया ये 1.5 वोल्ट। ये देखिए, ये 1.5 वोल्ट ये कॉइल है और ये ऐसी है इसका। उसके बाद जो है ये आपका जो है 3.3 वोल्ट का है ये का। ये जो कॉइल है आपका, ये 3.3 वोल्ट का कॉइल हो गया, ये ऐसे 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है। ये देखिए, इस पॉइंट में मैंने रखा है, ये 3.3 वोल्ट है परसेंट यहाँ पे इस कॉइल पे। बाद जो है ये इसका जो है स्विचिंग हो गया, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, ये मॉस्फेट, ये स्विचिंग मॉस्फेट वन, और एक और ये स्विचिंग मॉस्फेट जो है ये 2 हो गया। यहाँ भी करजेंट है 3.3 वोल्ट, और ये हो गया 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट करजेंट है। ये छोटा वाला जो चिप है, ये 1.5 का ये रेगुलेटर है 5 वोल्ट से, और ये यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये देखिए, ये 5 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे। इसका इनपुट 19 वोल्ट होगा, देखिए 19 वोल्ट इनपुट, और ये 5 वोल्ट।